हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो इस तरह की बेडशीट्स आपके घर में भी ज़रूर होंगी जो कि एक ही धुलाई के बाद में श्रिंक हो गई होंगी और छोटी हो गई होंगी और उसके बाद में आपके बेड पर नहीं आती होंगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें गिफ्ट में मिलती हैं बेडशीट्स, जब हम उनको बिछा करके देखते हैं तो वो निकलती हैं छोटी। अब ऐसी बेडशीट्स का क्या किया जाए वो कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी बेडशीट्स आप अक्सर दूसरों को गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन कई बेडशीट्स ऐसी होती हैं उनके प्रिंट या उनका कपड़ा ऐसा होता है कि वो ना गिफ्ट देने का मन करता है और ना ही उनको हम बिछा सकते हैं, तो वो ऐसे में रखी रहती हैं। तो मेरे पास भी एक ये बेडशीट है, कई बेडशीट्स हैं वैसे तो इस तरह की, लेकिन वो मैं यूज़ में ले रही हूँ, किस तरीके से वो आपको आगे बताऊँगी। तो इस तरह की जो बेडशीट्स होती हैं जो छोटी होती हैं, भले ही वो नई बेडशीट हो या पुरानी बेडशीट हो, धुलने के बाद में श्रिंक हो गई हो या फिर नई बेडशीट ही छोटी हो, उसको आप किंग साइज़ की बेडशीट में किस तरीके से कन्वर्ट करें, आज का वीडियो है यही। अब देखिए, ये मुझे मिली थी एक बेडशीट दिवाली पर गिफ्ट में, तो ये मैंने काफ़ी टाइम से रखी हुई है, सोचा कि इसको यूज़ करूँगी। और किस तरीके से यूज़ करती हूँ मैं छोटी बेडशीट को किंग साइज़ की बेडशीट में कैसे कन्वर्ट करती हूँ, वही आपके साथ में आज शेयर करूँगी। तो देखिए, बिछाने के बाद में ये बेडशीट अगर मैं एक तरफ से बिछाती हूँ तो दूसरी तरफ से सिर्फ इतनी इतनी सी रहती है, तो इसको अगर मैं अंदर के साइड में दबा देती हूँ तो जैसे ही हम लोग बैठते हैं ना बेड के ऊपर, वैसे ही ये पूरी सिकुड़ जाती है और दूसरी साथ ही साथ ये अंदर को टकिन नहीं हो पाती है। और जैसा कि आपको पता है, मुझे टकिन किए हुआ बेडशीट जो होती है वो नीट एंड टाइडी भी लगती है और मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो इतनी छोटी वाली जो बेडशीट है ये अंदर को टकिन नहीं हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगी जिससे कि आप छोटी बेडशीट को बड़ी बेडशीट में कैसे चेंज कर सकते हैं, जिससे उसका लुक भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है ये सैटन का कपड़ा, आप चाहें तो कॉटन का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो सैटन का भी ले सकते हैं, कोई भी आप साड़ी का भी कपड़ा इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई पुरानी बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, मैचिंग प्लेन कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैं अपनी बेडशीट से छोटा रख रही हूँ, यानी कि जितनी लंबाई मुझे चाहिए उससे थोड़ा कम रख रही हूँ। मसलन मैंने रखा है ये 9 इंच का लंबाई, आपको अगर लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी लंबाई ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह के मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं और पट्टियाँ कट करने के बाद में मैं यहाँ पर एक सीम लगा लूँगी, और आपके पास अगर लंबा कपड़ा है तो फिर आपको पट्टियों में जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास असल में ये छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े थे तो मुझे इसको सिलाई लगानी पड़ी है, और सिलाई लगाने के बाद में सारा लंबी पट्टी बना ली है मैंने, एक लंबी, जितनी लंबी आप बना सकते हो उतनी लंबी पट्टी आप बना लें। और उसके बाद में करना क्या है कि एक साइड से हम इसको बिल्कुल पतला पतला मोड़ लेंगे अंदर की साइड में, क्योंकि वो पोर्शन जाएगा हमारा नीचे के साइड में। अब देखिए, मोड़ने के बाद में मेरा ये जो कपड़ा है ये इतना लंबा बन गया है, सारे जॉइंट्स भी लगा लिए हैं और एक साइड से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, जिससे कि ये काफ़ी लंबा हो गया है। इस टाइप के लंबी लंबी पट्टियाँ आपको बनानी हैं। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी कॉटन की बेडशीट में इस तरीके से मैं प्लेट्स लगा रही हूँ, और आप प्लेट लगाने का तरीका देखें ध्यान से। ये प्लेट लगाएंगे अगर आप इस तरीके से, तो आपकी जो बेडशीट है उसमें फ्रिल लगा रहे हैं हम बेसिकली, और फ्रिल लगा रही हूँ मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप की। आप ये देखिए, एक ऊपर के साइड में मोड़नी है आपको प्लेट और एक नीचे के साइड में मोड़नी है, और इस तरह की अगर आप फ्रिल बनाते हैं तो ये देखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी ही आसान है इसको बनाना। और इस तरह की फ्रिल आप किसी भी तरह के कपड़े से आसानी से बना सकते हैं। हालांकि मुझे फ्रिल वाली बेडशीट काफ़ी कम पसंद है, क्योंकि इससे एक तो आपका बेडशीट टकिन नहीं हो सकती है, दूसरी चीज़ ये कि ये कमरे को थोड़ा सा छोटा दिखाती हैं, इसलिए मैं बेडशीट को फ्रिल वाली नहीं पसंद करती हूँ। लेकिन इसको बताने के दो रीज़न हैं, एक तो आप में से कई सारे फ्रेंड्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं फ्रिल बेडशीट आपके साथ में शेयर करूँ,
तो मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये कि इस तरीके से ये एक आइडिया है आपके लिए कि आप इस तरीके से अपनी छोटी बेडशीट को, जो भी श्रिंक हो गई हैं या छोटी बेडशीट हो गई हैं, उनको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से आप नीचे डाल करके रखेंगे तो वो अच्छी लगेगी देखने में। और ये देखिए, मैंने पूरे बेड को कवर नहीं किया है। अगर आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप लंबी फ्रिल भी लगा सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मुझे फ्रिल वाली बेडशीट ज़रा कम पसंद है, तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक ही साइड में लगा करके दिखाई है कि आप अगर फ्रिल लगाते हैं तो तीन तरफ या चार तरफ इसी तरीके से, इसी मेथड से फ्रिल लगाएंगे तो आपकी बेडशीट जो है वो बड़ी हो जाएगी। और फ्रिल लगाने के लिए आपको सेम कपड़ा भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, मैचिंग भी, प्रिंटेड भी, जैसी आपकी सुविधा हो वो लगाएं। लेकिन अगर आप सैटिन की फ्रिल लगाएंगे तो उसमें लुक काफ़ी सुंदर निकल करके आता है। मैंने भी पहले इसके ऊपर सेम मैचिंग कॉटन की फ्रिल लगाने की सोची थी, लेकिन जब मैंने लगा करके देखी तो वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई, तो इसी वजह से वो चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर नहीं की। इसके अलावा जब मैंने इसके ऊपर सैटिन के कपड़े की फ्रिल लगाई है तो इसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छा निखर करके आ रहा है। और ये देखिए, आप बिल्कुल इवन है, बिल्कुल सुंदर है। और इसको अगर स्प्रेड करने से पहले अगर आपने एक बार आयरन कर दिया, मैंने आयरन नहीं किया है, अगर आप इसको बनाते हैं और आयरन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। और दूसरे आइडिया के लिए मैंने सेम कपड़े को निकाल दिया है, अपनी फ्रिल को खोल दिया है, क्योंकि वो केवल आपको दिखाने के लिए था। दूसरे आइडिया के लिए मैं क्या कर रही हूँ, बेडशीट के कॉर्नर से, एक कॉर्नर से लेकर के उसी कपड़े को चारों तरफ से बिल्कुल प्लेन तरीके से सिलाई लगा दूंगी। और बिल्कुल प्लेन तरीके से सिलाई लगाने के बाद में जब कॉर्नर आते हैं तो कॉर्नर पर आपको थोड़ा सा उठाते हुए स्टिचिंग करनी है। वो आपको मैं आगे दिखाती हूँ किस तरीके से आप कॉर्नर पर किस तरीके से फोल्ड करें, जो कि बिल्कुल अच्छे से कॉर्नर भी बन करके आएगा। अब देखिए, ये बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दी हमने और अब आ गया ये कॉर्नर। तो कॉर्नर पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा अंदर के साइड में लगाना है इस तरीके से लेकर के, ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे हम और इसको यहाँ पर मोड़ देंगे, थोड़ा सा कपड़ा अंदर के साइड में फोल्ड करते हुए मोड़ करके, और हमें अपनी बेडशीट को घुमा लेना है, मशीन को नहीं घुमाना है, हमें अपनी बेडशीट को घुमाना है इस तरीके से। ये हमारी सिलाई लग गई है और अब इसको इस तरीके से घुमा दिया है और अब हम इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप चारों तरफ लगा लेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रही है। इस वाली जो कपड़े की पट्टी लगाने का कारण ये है कि ये एक तो नीट एंड टाइली लगती है बिल्कुल, ये देखिए किनारे पर कुछ इस तरीके से आ रही है। और मैं ये दूसरा वाला तरीका अपनी बेडशीट को बड़ा करने के लिए अपनाती हूँ। हालाँकि इसको भी मैं टकिन ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर के साइड में, जैसा कि मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, बाहर के साइड में मुझे बेडशीट जो इस तरीके से लटकी हुई होती हैं वो उतनी पसंद नहीं आती हैं और वो सिकुड़ भी जल्दी जाती हैं, तो इसीलिए टकिन की हुई बेडशीट मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। पर अगर आप इस तरह की बेडशीट को, छोटी बेडशीट को इस तरीके से कपड़ा लगा करके बड़ा करते हैं और इसी तरीके से आप रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं देखने में। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको टक इन कर सकते हैं, आप इसको बाहर के साइड में निकाल सकते हैं। मैंने आपको दो आइडियाज़ दिए, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा वाला आइडिया आपको ज़्यादा पसंद आया। और इस तरीके से आप अपनी कोई भी छोटी से छोटी बेडशीट को बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो जितना मर्जी लंबा भी कर सकते हैं। और ये देखिए, अंदर टक इन करने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, अंदर टक इन भी आराम से कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें विद बेल बटन, इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। जल्दी मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। कल का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर देखें। जल्दी मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए।